जब जब बाबर मेरा फेवरेट प्लेयर आज तक का बाबर आजम सेंचुरी बाबर आजम 63 बॉल्स में आई थिंक 100 प्लस 111 रन बताया आपकी अब देख लें बाप। T20 क्रिकेट में इस समय सबका एक ही बाप जिसका नाम है बाबर आजम भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इस बंदे ने सेंचुरी दाग दी है। T20 फॉर्मेट में ये उनका 11वां सेंचुरी है। 11वां नसीम शाह को मारा हुआ लॉन्ग वाला छक्का बहुत प्यारा था जिसमें शेप बड़ा होल्ड करके चेक सा कर दिया वहां पर। ताइमल मिल्स है और शतक वहां पर बना दिया है बाबर ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। यार इतना भाई 59 बॉल पे 100 बना दिया उन्होंने। खेली है मतलब एक्सेप्शनल इनिंग्स है। मुंह बंद कर दिए एक तरीके से। जो आज मैंने विटनेस किया है बाबर आजम की जैसी मैंने बैटिंग देखी है। ऑब्वियसली देखो यार तारीफ जो है वो बनती है हर बार। जब जब बाबर मेरा फेवरेट प्लेयर आज तक का बाबर आजम सेंचुरी। हमेशा मैंने बोला है कि इस लड़का ये हीरा है। आप लोगों ने हमेशा उसमें कीड़े निकाले, उसे बाबर कमी निकाले, उसे बारबी, उसे जिमजिम, जिम्बाबर, युगांडा, इथो। सिर्फ मैंने उसमें ट्रस्ट दिखाया कि बाबर ही एक प्लेयर है, ना विराट, ना सचिन, ना धोनी, ना यूवी, ना सहवाग, ना डॉन ब्रैडमैन। एक ही प्लेयर आया दुनिया में जिसका नाम है बाबर आजम। 63 बॉल्स में आई थिंक 100 प्लस 111 रन मार दिए। आप एक बार स्कोर कार्ड दिखाएं हमें। अरे नहीं देखे आप, बस वो ऊपर से बाबर आजम 176 की स्ट्राइक रेट, छक्के दो ही मारे पर। 176 की स्ट्राइक रेट है, उसमें छक्के दो ही मारे तो क्या हो गया। 63 बॉल्स पे 111 वो भी एक छक्के ही बढ़िया मारे एक सामने को और एक एक्स्ट्रा। देखिए मैंने बार बार बोला है कि बाबर आजम की क्वालिटी का प्लेयर चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैंने और गौतम गंभीर ने सेम बात करी। वर्ल्ड कप में उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड कप में आग लगा देगा। ठीक है देखते हैं। 3500 लाइक होने चाहिए यार। देखिए आप सब लोगों को पता है कि मेरे दिल में बाबर के लिए कितना प्यार मोहब्बत इज्जत है। तो प्यार इश्क और मोहब्बत कितना हाईली रेट करता हूँ मैं इस प्लेयर को। हमेशा मैंने बोला है कि इसके सामने कोई भी टीम आ जाए, चाहे वो इथोपिया हो, चाहे मलेशिया हो, नेपाल को ना भूले। देखिए नेपाल एक कैटेगरी टीम आ जाती है। नहीं ये तो मजाक की बात है। बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है और आज जो सेंचुरी मारी है आपको ये बात माननी पड़ेगी कि 14 चौके और 2 छक्के और अकेला अपनी टीम को लेके पहुंचा हुआ है। और यार देखो अब ईमानदारी की बात यह है, पहले तो मजाक चल रहा था लेकिन हमने शुरू में सोच रहे थे हम कि पेशावर जलमी शायद ना पहुंच पाए। हाँ। और अकेला अपनी टीम को कैरी कर रहा है। अगर आप देखें मेरे ख्याल से इसने उसको अब पीछे कर दिया होगा। हाँ। कौन था? रैसी वेंडरसन। रैसी वेंडरसन ने कल 100 मारा है। हाँ। आज बाबर आजम ने 100 मारा है और पूरे PSL में मेरे को लगता है कि बाबर आजम के हाईएस्ट रन चल रहे होंगे। चाहे जो मर्जी बोल लो बाबर रन जरूर मारता है। चाहे टीम जरूर है। अच्छा ये भी आज प्रूव हो जाएगा। मैंने जो बार बार कप्तानी भी करी, कल भी गेम जिताई और आज भी आ गया। कल भी मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई बंधुआ मजदूर बना रखा है कि रोज ही खेल देते हो कि चल भाई आज भी खेल ले, कल भी खेल ले, रोज। मैं सबका एक ही बाप जिसका नाम है बाबर आजम भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इस बंदे ने सेंचुरी दाग दी है। T20 फॉर्मेट में ये उनका 11वां सेंचुरी है। 11वां 111 रन की पारी खेली, 14 चौका, 2 छक्का, 177 का स्ट्राइक रेट। पेशावर जलमी ने 201 रन बनाए और इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे। मुझे लग रहा था जिस तरीके से आज बाबर आजम ने शुरुआत की थी थोड़े धीमे रहे थे, लेकिन उसके बाद पारी को संभाला और उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की है अब तो ऐसा लग रहा है कि बाबर के लिए शतक बनाना T20 फॉर्मेट में बच्चों का खेल हो रखा है।
जब मन करता है तब ये बंदा जो है सेंचुरी लगा देता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी के देश के लोग इन्हें T20 फॉर्मेट का बल्लेबाज तक नहीं समझता है। आखिर बाबर करे तो करे क्या, लेकिन बाबर के आज जितने भी फैंस हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी है कि बाबर का 11वां T20 शतक आया है। इसके बाद सबसे टॉप पे तो यूनिवर्स बॉस है जिससे आई, और आज बाबर आजम की इस शतक को मैंने मिस कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बाबर का कितना बड़ा फैन हूँ ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बाबर की बल्लेबाजी पर कभी शक मत करिएगा, और आज जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने आप को दिखाया है, जिस तरीके से इतने सालों से रन बना बना के इन्होंने भुनाया है, उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पेशावर जलमी के गेंदबाजों को अब अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए, ताकि इस तरीके से इस दा आप क्या चाहोगे यार, ये अलग लेवल का भाई, अलग लेवल का प्लेयर है, अलग लेवल का। और आपको लगता है कि मतलब आपके तनकीद करने से, आलोचना करने से, हिटर्स के होने से बाबर का ग्रे निकल्स का बल्ला बोलना बंद कर देगा? अरे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी के माई का लाल की औकात नहीं है कि बाबर आजम को रन बनाने से रोक ले। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, और पहले भी मैं हमेशा कहता था कि लाख दम लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस बंदे टीम में दूसरा हाईएस्ट रन गेटर 38 पर है, और इस बंदे ने 170 की स्ट्राइक रेट से 100 मार दिया है। अपोजिशन में कोई हल्के बॉलिंग अटैक नहीं है, अपोजिशन कोई हल्का बॉलिंग अटैक नहीं है। जिस तरीके से नसीम शाह को मारा हुआ लॉन्ग आउट वाला छक्का बहुत प्यारा था, जिसमें शेप बड़ा होल्ड करके चेक सा कर दिया, वहां पर ताइमन मिल्स है, हुनैन शाह, और आपके पास शादाब क्वालिटी स्पिनर्स है यार, आगा सलमान, और आगा सलमान कह रहा हूं, मतलब आपके पास हुनैन शाह को जिस तरीके से 4 चौके छक्का उस ओवर में किस तरीके से पिटाई उन्होंने करी, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त नॉक खेली है यहां पर बाबर आजम ने। अगर कोई खिलाड़ी की टीम में उस तरीके से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप कह सकते हो रोमन पॉवेल भी इस टीम में है, आपके पास हसीबुल्ला है, हारिस है, सैम अयूब है, वॉल्टर है, मतलब आपके पास बैटिंग ऑर्डर और भी तो है, लेकिन वो बंदा अपने दम पर अगर 190 तक खींच रहा है, 200 तक खींच रहा है, तो वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार, उस चीज को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो यही था जी, यही जो जबरदस्त शतक वहां पर बना दिया है बाबर ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कहीं ना कहीं एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने अगेन जो T20 में उनके नंबर्स है, जो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि इवन फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन। देखिए 59 बॉलों पे बाबर आजम ने 100 बनाया PSL में, 59 बॉलों पर 100, तो ठीक है। पहले जहां पर विकेट आई, पहले तो यह था कि पारी को संभालना बहुत जरूरी था, क्योंकि बाबर आजम वहां पे मेन विकेट थे पेशावर के लिए। बाबर का यार इतना वो ठीक है, क्यों यार इतना भाई 59 बॉलों पे 100 बना दिया, उसने संभालना था संभाल लिया, जहां पे एक्सेलरेशन की जरूरत थी एक्सेलरेशन दी, जहां पे चौके लगाने थे लगाया, और आखिरी ओवर में भी लगा रहे हैं, रन आई नहीं इन लोगों की। बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली है, मतलब एक्सेप्शनल इनिंग्स है, मुंह बंद कर दिए एक तरीके से, और मैं भी हैरान और परेशान और चौंक गया जिस तरीके से बाबर ने खेला, का एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया, उसके बाद 4 चौके लगातार मार दिए, मतलब पहले चौका फिर छक्का फिर 3 चौके लगातार मारे, तो मतलब 23 रन उस ओवर में मिल गए, और वहां से एक तरीके से मोमेंटम जो है वो आ गया इधर पेशा 120 के करीब। बाबर ने लास्ट 12-14 बॉलों में 300 के स्ट्राइकर्स रन मारे, मैंने लास्ट देखा था 12 बॉल में 38 रन बनाए उन्होंने, 300 के मतलब लास्ट 12 बॉलों में, मतलब एक तरीके से मान लो कि 2 ओवर में 38 रन, 38 रन आप देख लो वहां से स्ट्राइक रेट, और वही कह रहा हूँ ना मैं, एक ओवर में जो 23 रन बनाए। ओहो क्या शॉट है यार, वाह, बाबर आजम ताकत भी है नजाकत भी है। पहले तो सामने का छक्का लगाया नसीम को, और आखिरी ओवर में जो फहीम को ये चौका लगाया, पहले वो पैडल एक उन्होंने पहले भी शॉट लगाया था ऐसे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो सेट होने के बाद, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जब एक बार सेट हो जाते हैं और वो स्ट्राइक रेट अप हो जाता है तो बहुत तेज खेलते हैं। आखिर में इन्होंने 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है आखिरी के 12 बॉलों में, और अभी भी जो है वो ये भी इस बॉल पे भी लगता है दुग्गा ही। लेकिन देखो आखिरी के तारीफ है जो आज मैंने विटनेस किया है बाबर आजम की, जैसी मैंने बैटिंग देखी है, ऑब्वियसली देखो यार तारीफ जो है वो बनती है, हर बार क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती है, प्लेयर जब अच्छा करता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और जब खराब करता है तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म जो है वो हम करते भी हैं। 100 बनाया भाई, देखो जिस पोजीशन में थी यहाँ पर पेशावर की टीम, लगातार विकेट जा रहे थे, उसके बाद 80 पे यू नो 3 हो गए थे, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बाबर खुद देख लो ना 42 में 42 बॉल्स में 52 रन थे, 17 बॉलों पे 48, नेक्स्ट 17 मैं बोल तो रहा हूँ
300 की स्ट्राइक रेट से मारा है भाई। उसके बाद 17 बॉलों में 48 रन बना दिए, 42 बॉलों में 52 रन थे। तो जो एक्सेलरेशन अप की वहां पर बाबर आजम ने, जिस तरीके से वहां पर फिर तोड़ाई की बाबर आजम ने, एक तरीके से आप देख लो तो वो एक मुंह पर तमाचा भी है उन लोगों के जो बाबर आजम के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं, जैसे कि पांडे जी। 176 की स्ट्राइक रेट, हालांकि शुरू में बोलूंगा देखो 100 बनाया है, बहुत ब्रिलियंट 100 है, बहुत बढ़िया 100 है।